नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ सदर तहसील अंतर्गत ग्राम सभा महुआ व मुरारपुर ग्राम सभा के ग्रामीणों ने गांव में चल रही चकबंदी प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को नामित अपनी मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि चकबंदी आयुक्त द्वारा 22 अगस्त 2022 को कुल 113 चकदार महुआ और मुरारपुर की चकबंदी प्रक्रिया में प्रभावित है, उनको व्यवस्थित करते हुए महुआ और मुरारपुर की चकबंदी कराई जाए। उन 113 काश्तकारों के बारे में ना तो कोई जानकारी दी गई, ना ही कोई प्रयास किया गया, बल्कि चकबंदी अधिकारी ने पूरे गांव को अव्यवस्थित कर दिया। पूरे गांव में मतियात बढ़ा दी गई, जिन लोग के अधिकारी प्रभावित थे उन लोग को घटाकर मालियत दे दिए, रकबा बढ़ा दिए और पूरे गांव में चक अस्त कर दिए। लोगों ने मकान में चक लगा दिया। ग्रामीणों ने मांग किया कि चकबंदी पुनः कराई जाए, कागजात सही कराए जाए, जो आपत्तियां आ रही हैं, त्रुटियां हुई हैं, उन्हें सही कराकर चकबंदी प्रक्रिया कराई जाए। उन्होंने कहा कि चकबंदी अधिकारी को बार बार प्रार्थना पत्र देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वह चकबंदी आयुक्त तक जाएंगे, मुख्यमंत्री के समक्ष भी इस मामले को रखेंगे। इस मौके पर विश्वनाथ राजकुमार, धनुषधारी निठूर, राम दूधनाथ, रघुनाथ बिहारी लाल, सूर्यभान अच्छेलाल, दुर्गा प्रसाद, करण कुमार, किशन कुमार, सुनीता गौड़, बिंदु, उदयभान यादव, हरिश्चंद्र यादव, योगेंद्र प्रसाद सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित। इंद्र प्रताप है, कहाँ के रहने वाले? मैं ग्राम सभा महुआ व मुरारपुर का काश्तकार हूँ। आज आप लोग आए हैं बड़ी संख्या में यहाँ जी, क्या मामला है? मामला ये श्रीमान की चकबंदी आयुक्त द्वारा एक आदेश किया गया विगत 2 वर्ष पहले 22/8/2022 को कि कुल 113 चकदार महुआ व मुरारपुर की संयुक्त चकबंदी योजना से प्रभावित है, उनको व्यवस्थित करते हुए महुआ व मुरारपुर की चकबंदी व्यवस्थित कर दी जाए। उन 113 काश्तकारों के बारे में कोई न जानकारी दी गई, न कोई प्रयास किया गया, बल्कि पूरे गांव को अव्यवस्थित कर दिया गया। पूरे गांव की मालियत बढ़ा दी गई, कहीं जिन लोगों से प्रभावित थे उन लोगों को घटा के मालियत दे दिए, रकबा बढ़ा दिए, पूरे गांव का चक अस्त व्यस्त कर दिए, लोगों के मकानों पर चक लगा दिए, लोगों के मकानों पर चक लगा दिए। क्यों भाई? क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि पुनः नए तरीके से जो जहां है, जिनको 23 मिला था उनके 23 के आधार पर पुनः चकबंदी कराई जाए, कागजात शुद्ध कराए जाएं, जो आपत्तियां आ रही हैं, जो त्रुटियां हुई हैं, उनको पुनः शुद्ध करा के निर्माण कराया जाए और तब चकबंदी प्रक्रिया को मूर्त रूप दिया जाए और उसके मूल उद्देश्यों की पूर्ति तभी हो पाएगी। ये कर कौन रहा? ये हमारे यहाँ चकबंदी अधिकारी हैं सदर प्रथम श्री जितेंद्र सिंह जी, उनके उनको कई बार बार हाँ प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन पता नहीं उनके मन में क्या है, क्यों नहीं सुन रहे हैं। और मुरारपुर की चकबंदी इसी तरह अव्यवस्थित रूप से करके खत्म कर दी गई, 52 का प्रकाशन कर दिया गया, तमाम विधि व्यवस्थाएं हैं उनका भी आदर नहीं किया गया, लोगों को सड़कों के किनारे नए लोगों को चक आवंटित कर दिया गया, जो लोग वहां पहले से घर मकान दुकान बना के व्यवस्थित हैं, कागजातों में अभिलेखों में व्यवस्थित हैं, उनको भी हटाने का काम किया जा रहा है। आज आप लोग टेंशन क्यों आए हैं? अगर नहीं मांगे आपकी तो क्या? चकबंदी आयुक्त तक जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन आज दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाएंगे, गांव उद्वेलित है, गांव आया है, ऐसा नहीं है कि मैं इकलौता पक्षकार हूं, पूरा गांव आया है, गांव की गरीब जनता आई है, जितने लोगों के पास पैसा है ग्राम सभा में प्रभावित है, इससे पूरा गांव प्रभावित है, कुछ लोगों को छोड़कर जिन लोगों की वहां चल रही है, गिने चुने 10-20 लोगों को, और भी लोग हैं, भाई साहब लोग हैं, पूछ लीजिए। Thank you.
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।